अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर नंबर 11 में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि स्ट्रीमलेट यूआई क्या चीज़ होती है। अभी तक हमने जो पिछली क्लासेस पढ़ी हैं उसमें हमने पाइथन प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था, हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था, हमने लूप्स को डिस्कस किया, फिर उससे पहले हमने एडवांस डेटा टाइप्स को डिस्कस किया। आज की क्लास में हम स्ट्रीमलेट यूआई के बारे में स्टडी करेंगे कि स्ट्रीमलेट यूआई क्या चीज़ है, ये लाइब्रेरी किस काम आती है और पाइथन में हम इससे कौन कौन से फायदे उठा सकते हैं। तो स्ट्रीमलेट यूआई पर जाने से पहले, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पर जाने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला लाइब्रेरीज क्या होती हैं, फिर उसके बाद फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि पीस ऑफ कोड होता है जो कि हम अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद बार हम जहां भी हमने यूज़ करना हो अपने फंक्शन को हम वहां कॉल करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास किसी भी एक डोमेन में काम करने वाले डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं, जो कि किसी भी एक डोमेन में हमारे डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन तमाम फंक्शंस की कलेक्शंस को हम लाइब्रेरी कहते हैं। जैसे कि हम अगर एक लाइब्रेरी के एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है मैथ लाइब्रेरी। अब जो मैथ लाइब्रेरी है इसके अंदर तमाम तर मैथमेटिकल फंक्शंस डेवलपर्स ने पहले ही बना कर रख दिए हैं। जैसे मैथ में साइन का फंक्शन यूज होता है, मैथ में कोसाइन का फंक्शन यूज होता है, टेंजेंट का फंक्शन यूज होता है, मैथ में लॉग का फंक्शन यूज होता है। तो वो तमाम तर मैथमेटिकल फंक्शंस एंड फार्मूलाज उनको डेवलपर्स ने क्रिएट करके डिफाइन करके इस लाइब्रेरी के अंदर रख दिया। अब ये एक मैथ की लाइब्रेरी हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उस लाइब्रेरी से वो तमाम तर फंक्शंस जो बिल्ट इन फंक्शंस जो पहले से किसी ना किसी डेवलपर ने बनाए हुए हैं उनके बने बनाए फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उन फंक्शंस को नए सिरे से बनाए और उनको नए सिरे से डिफाइन करें। तो ये हमारे पास लाइब्रेरीज का फायदा होता है कि लाइब्रेरीज हमें कलेक्शन ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं किसी भी डोमेन में काम करने के लिए, और वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस डिफरेंट डेवलपर्स ने बनाए होते हैं और हम उनका प्री डिफाइंड और बिल्ट इन कोड हम उनको यूज करके हम अपने प्रोग्राम में उससे फायदा उठा सकते हैं। हमें इस चीज की फिक्र नहीं होती कि हम इन फंक्शंस को स्क्रैच से डेवलप करें और स्क्रैच से इन्हें बनाएं, हम किसी के बने बनाए फंक्शंस को यूज कर लेते हैं और अपना काम एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो स्ट्रीमलेट यूआई एक लाइब्रेरी है जो कि हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड करती है, जिन प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करते हुए हम अपने पाइथन का जो आउटपुट है, हमारे कोड का जो आउटपुट है, उसे हम बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी वेब इंटरफेस के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं कि हम इन मेथड्स को यूज करते हुए पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू अपनी किसी भी आउटपुट को, चाहे वो कोई इमेज हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई कोड हो, चाहे वो हमारे पास किसी किस्म का कोई टेबुलर डाटा हो, हम उसको बड़ी खूबसूरती के साथ एक वेब इंटरफेस के ऊपर विजुलाइज करवा सकते हैं। तो स्ट्रीमलेट यूआई हमें बने बनाए फंक्शंस जिनके थ्रू हम अपनी कोड का आउटपुट विजुलाइज करवा सकें, उसको करने के लिए हमें बने बनाए फंक्शंस स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी बड़े अच्छे ही तरीके से हमें प्रोवाइड कर रही है। तो आज हम देखते हैं स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी को। तो मैं सबसे पहले अपने गिटहब लेके लिंक पे चलता हूँ। तो ये हमारे पास आज जो हम देखेंगे इसके अंदर हमारे पास ये एक स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं और इसको हम इस कमांड के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। और ये जो स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी है ये हमारे पास किसी ना किसी वेब यूजर इंटरफेस के लिए होती है कि हमारे पास कोई ना कोई वेब यूजर इंटरफेस है, उसके ऊपर हमने अपने पाइथन का कोई भी आउटपुट या रिस्पॉन्स क्या करना है, हमने शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए एक स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी होती है जिसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो इससे पहले मेरा पाइथन का प्रोजेक्ट जो पाइचा में मैंने बनाया है ये मेरे पास एक रेडी है, एक सिंपल प्रोजेक्ट, ये हम पहले भी क्लासेस में बना चुके हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये आपके पास एक फोल्डर बना होगा वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो आप देख सकते हैं। अच्छा, इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले आपने इस मेन फोल्डर पे जाना है जो हमारे पास यूजर इंटरफेस के नाम से है। तो इस मेन फोल्डर पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप टर्मिनल की ऑप्शन पे जाएंगे जो आपके पास यहाँ पर नीचे आ रही है। जैसे ही आप टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब
ये टर्मिनल आपको बता रहा होता है कि आप इस टाइम पे किस वर्चुअल एनवायरनमेंट पे हैं। तो आप जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसने मुझे बता दिया कि मैं .venv यानी वही वर्चुअल एनवायरनमेंट जो कि इस प्रोजेक्ट के साथ बना था, इसके अंदर मैं मौजूद हूँ। तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास पहले पावर शेल में ओपन है, तो ये देखिए मेरे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया। अब ये मेरे पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है जिसे आप इधर देख सकते हैं। इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग यहाँ से कर लेता हूँ ताकि ये हम मेरे पास दिखने में थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको सेटिंग में जाता हूँ और सेटिंग में जाकर यहाँ पर मेरे पास एडिटर की ऑप्शन है और यहाँ से जनरल की ऑप्शन में जाके मैं यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ ताकि ये मेरे पास थोड़ा आसान हो जाए दिखने में। अभी आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब ये हमारे पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है। अभी मैंने डिस्कस किया कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, कि ये हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस और फ्रेमवर्क्स की कलेक्शन रखता है जिसको यूज करते हुए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया होता है। तो जब भी हम पाइथन में पाइचार्म में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट उसके साथ अटैच किया जाता है, जिस वर्चुअल एनवायरनमेंट में तमाम तर लाइब्रेरीज की कलेक्शन होती है और वो तमाम तर लाइब्रेरीज की कलेक्शन अटैच हुई होती है हमारे उस प्रोजेक्ट के साथ बाइंड हुई होती है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट वो तमाम तर कलेक्शन को ऑक्यूपाई कर रहा होता है। अगर तो हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बनाया तो हमारी लाइब्रेरीज कहीं और इंस्टॉल होंगी और हमारा प्रोजेक्ट कहीं और सेव होगा, तो हमारा प्रोजेक्ट और हमारी लाइब्रेरीज आपस में एक दूसरे से, जो हमारी लाइब्रेरीज और प्रोजेक्ट है वो आपस में एक दूसरे से जब कनेक्ट नहीं हो सकेंगे तो फिर हमारा प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट नहीं हो सकेगा। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट इस काम के लिए होता है कि वो सारी की सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स को एक जगह बाइंड करके रखता है और फिर जब हम उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं तो हमें वहां पे तमाम तर लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं और फिर उसी के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट को ऑन कर लेते हैं या ओपन कर लेते हैं और फिर उसके अंदर इजीली काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट है। इसकी निशानी ये है कि यहाँ पर .venv यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो अब इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम एक स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यही कमांड जो मैंने अभी यहाँ से कॉपी किया, ये कमांड बेसिकली एक स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए होती है। और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी जब भी हमने अपने पाइथन का कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करवाना हो वेब इंटरफेस पे, तो वहां उसको डिस्प्ले करवाने के लिए चाहे वो हमारे पास इमेज हो, चाहे वो हमारे पास कोई कोड हो, चाहे वो हमारे पास टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई टेबुलर डाटा हो, तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए बड़े ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत अंदाज में डिस्प्ले करवाने के लिए हम स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा। ये कमांड है लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की। पहले मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी, उसके बाद फिर मैं इस लाइब्रेरी के ऊपर डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए अपने डिफरेंट टेक्स्ट और आउटपुट्स को उस पर डिस्प्ले करवाऊंगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस कमांड को पेस्ट किया, तो मैंने इसको एंटर प्रेस किया, तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे ये लाइब्रेरी मेरे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके कंप्यूटर की इंटरनेट की स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करेगा। आपके कंप्यूटर की जितनी इंटरनेट स्पीड है उतनी स्पीड से ये डाउनलोड आपके पास होगी, और अगर इंटरनेट स्लो आ रहा है तो इसको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो जब तक ये डाउनलोड हो रही है, हम ये देख लेते हैं कि इस कमांड के अंदर जो डिफरेंट चीजें हैं, जैसे कि ये पिप है, ये इंस्टॉल है, ये स्ट्रीमलेट है, तो ये हमारे पास क्या क्या होता है। तो पिप के बारे में हम जानते हैं कि ये पिप क्या है, पाइथन पैकेज मैनेजर, जो कि तमाम तर कलेक्शन अपने पास रखता है। और उसके बाद इंस्टॉल की कमांड क्या है, इंस्टॉल की कमांड किसी भी चीज को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये हमारे पास एक लाइब्रेरी का नाम है। तो अगर हमने कोई भी पाइथन की लाइब्रेरी किसी भी हमारे पास डोमेन में बनी हो या किसी भी मकसद के लिए बनी हो, हमने उसको इंस्टॉल करना हो, तो हमें इसे इंटरनेट पे जाकर देखने की जरूरत नहीं है, सर्च करने की जरूरत नहीं, हम जस्ट पिप इंस्टॉल और आगे लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे तो वो लाइब्रेरी हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर ये लाइब्रेरी पहले इंटरनेट से डाउनलोड होगी, पाइथन पैकेज मैनेजर। तो पिप हमारे पास एक तरह का प्ले स्टोर होता है, जैसे आपके पास मोबाइल में एंड्रॉइड प्ले स्टोर है जो कि आपको एप्लीकेशन की कलेक्शंस प्रोवाइड करता है जहां से आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट लाइब्रेरीज की कलेक्शन आपको हमारे पास पिप पाइथन के अंदर, पिप एक पैकेज मैनेजर है जो कि डिफरेंट हमारे पास पाइथन की डोमेन के अंदर यानी पाइथन के अंदर डिफरेंट काम करने के लिए जो लाइब्रेरीज बनाई गई हैं उनकी हमें कलेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। तो जब तक ये डाउनलोड हो रही है तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आज के इस लेसन में जो हम कर रहे हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं कि हम किक्स एआई कोर्स के अंदर हमारा लेसन 9B है, स्ट्रीमलेट यूआई, और इसको आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अंदर मेरा जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर ये कुछ मेरे पास स्ट्रीमलेट यूआई के अंदर, अगर मैं आपको ये दोबारा से दिखा दूं तो
तो ये हमारे पास इसके अंदर मेरा फर्स्ट स्टेप है हेलो वर्ल्ड। तो ये 00 स्टेप जो है इसके अंदर मैं जाता हूँ और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर किस तरह से स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है ये तमाम डिटेल्स मौजूद है। और लाइब्रेरी के बारे में हम जानते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी हमारे पास कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनको यूज करते हुए हम अपने काम को एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हमें उन फंक्शंस को दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फंक्शंस आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि आप फंक्शन को डिफाइन करते थे और फिर उसे अपने प्रोग्राम में कॉल करते थे। यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर आपको बने बनाए फंक्शंस मिल जाएंगे जो डिफाइन तो किसी दूसरे डेवलपर ने किए होंगे लेकिन जस्ट आप उस फंक्शन को यहाँ पे यूज करके उससे अपना टास्क परफॉर्म करवा रहे होंगे। तो लाइब्रेरीज हमारे पास डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ फंक्शंस होती है जो कि किसी एक स्पेसिफिक टास्क को या किसी भी एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। तो जब तक मेरे पास ये इंस्टॉल नहीं हो जाता मुझे इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मे बी आप लोगों को भी थोड़ा सा वेट करना पड़े स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करवाने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है और इसके बाद मेरे पास ये कुछ अपडेशन हो रही है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि आपको पहले भी बताया होगा कि ये जो यहाँ पर कुछ लोडिंग्स आ रही होती हैं ये बेसिकली लाइब्रेरी हम जो कोई भी इंस्टॉल करते हैं या कोई भी लाइब्रेरी हम जब उसको जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट वगैरह करवा रहे होते हैं तो कुछ यहाँ पर हमारे पास अपडेशंस आ रही होती हैं। इनको आपने इनका वेट कर लेना, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती आपने कोई कोड लिखना स्टार्ट नहीं करना क्योंकि ये बेसिकली बाइंडिंग हो रही होती है हमारे पास लाइब्रेरीज की वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ और फिर उस वर्चुअल एनवायरनमेंट की हमारे प्रोजेक्ट के साथ। तो अगर आप इससे पहले अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं और उसे रन करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास वो कोड रन नहीं होगा। तो जब तक ये बाइंडिंग्स कंप्लीट नहीं हो जाती है यहाँ पर जो डिफरेंट लोडिंग्स है जिस तरह से ये बता रहा है अपडेटिंग पाइथन इंटरप्रेटर अपडेटिंग इंडेक्सेस, तो ये बाइंडिंग्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आपने इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो हम इसके लिए वेट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और ये यहाँ पर मेरे पास बैकग्राउंड के अंदर ये सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तब तक मैं अपने स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी पे आता हूँ। अच्छा, जब मेरे पास स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट कमांड के मैंने चेक करना है कि मेरी स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी सक्सेसफुली चल रही है या नहीं चल रही। तो उसके लिए एक कमांड है कि एक कमांड मैंने यहाँ पर देनी होती है टर्मिनल पर, जो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर मैंने स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर मैंने एक कमांड देनी है, वो ये है स्ट्रीमलेट रन हेलो डॉट पी वाई। ये वाली फाइल नॉर्मली हमारे पास नहीं है, हमने अभी ये फाइल नहीं बनाई तो मैं जस्ट इस फाइल को बनाए बगैर ही इस कमांड को कॉपी करूंगा और कॉपी करके मैं इस कमांड को टर्मिनल में पेस्ट करूंगा तो मेरे पास एक लोकल होस्ट ओपन होगा और उसके अंदर हेलो डॉट पी वाई का एक स्क्रिप्ट, ये स्ट्रीमलेट के पास ऑलरेडी प्री बिल्ट इन एक स्क्रिप्ट इसके पास पड़ा हुआ है जो कि पाइथन के अंदर लिखा हुआ है और इस स्क्रिप्ट को ये चला देगा जो इसके पास प्री बिल्ट इन फाइल है उसको चलाएगा और उसका एक बड़ा ही खूबसूरत सा इंटरफेस मेरे पास ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। तो अगर तो ये सारा काम हो रहा है मेरे पास एक लोकल होस्ट ब्राउजर में 8501 पोर्ट नंबर पे अगर तो एक खूबसूरत सा इंटरफेस ओपन हो रहा है तो इसका मतलब मेरी स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है और वो काम भी प्रॉपर कर रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब हमारी इंस्टॉलेशन में कोई मसला है या डाउनलोडिंग ठीक तरह से नहीं हुई हमारी लाइब्रेरी की या हमने उस लाइब्रेरी को सही तरह से अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंटीग्रेट नहीं किया हुआ। तो मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर तमाम तर बाइंडिंग्स हो गई हैं मेरे एनवायरनमेंट के साथ और इस कमांड को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं इस एंटर पे प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक मेरे पास यहाँ पर इसने फिलहाल इसने कुछ एरर दिया है, उसने कहा कि फाइल डज नॉट एक्सिस्ट हेलो डॉट पी वाई। तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि मेरे पास एक हेलो डॉट पी वाई की एक फाइल पड़ी हुई है उस फाइल को पहले मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारा स्टेप है ये वाली हेलो डॉट पी वाई की फाइल, ठीक है, ये फाइल यहाँ पर बनी हुई है। इस फाइल को मैं यहाँ से क्या करता हूँ सारी की सारी फाइल को कंट्रोल ए करके इसके कोड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं एक न्यू फाइल यहाँ पर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ से एक न्यू फाइल बना लूंगा। इस न्यू फाइल के अंदर ये जो मेरी न्यू फाइल है इस न्यू फाइल के अंदर मैं इस पाइथन फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि दैट इज हेलो डॉट पी वाई, ये मैं एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये एंटर कर दिया तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर एक न्यू हेलो की फाइल बन गई है और इस फाइल के अंदर मैं वो तमाम कोड लिख लेता हूँ जो कि मेरी हेलो फाइल के अंदर होना चाहिए। ये तमाम तर कोड मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास इस फाइल को रन करने के लिए जो कमांड है जो मैंने पहले अभी लिखी थी
वो बेसिकली कमांड जो मैंने गिटहब से उठाई थी, वो वाली कमांड, ये जो कमांड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कमांड इस फाइल को रन करने के लिए थी। तो इस फाइल की स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं बनी हुई थी यहाँ पर गिटहब में, तो मेरे पास इसकी स्क्रिप्ट है, मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, तो यहाँ पर मेरे पास इस फाइल की स्क्रिप्ट जो है वो नहीं बनी थी, इस वजह से मेरे पास पाइथन के अंदर एरर आ गया था। तो मैंने ये कोड यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद एक न्यू फाइल बना ली hello.py की। तो इसको मैंने यहाँ पर क्या किया, ओपन कर लिया, और जैसे ही मैं अपने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, ये वाला जो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है, इसके अंदर मैं ये कमांड को पेस्ट करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसे पेस्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जैसे ही इसको पेस्ट किया जाएगा, तो एंटर किया जाएगा, तो मेरे पास ये वाले जो हेलो की फाइल है, अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी और इसका जो है वो वेब इंटरफेस के ऊपर एक यूआई आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इसका एक यूआई आ गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले है, ये कुछ इक्वेशंस लिखी हुई है, ये सारे का सारा एक यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर डिफरेंट चीजें यहाँ से एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कुछ चीजें जो जरूरत की नहीं है वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और उसके बाद फिर एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया, और यहाँ से जाके मैंने इसको, ये जो मेरा था, इसको मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरा ये सारे का सारा डिस्प्ले भी अपडेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट कमांड्स हैं, इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो ये कौन सी कमांड्स हैं, सबसे पहले हमारे पास ये कमांड आ रही है st.title। ये बेसिकली कमांड होती है किसी भी टाइटल को शो करवाने के लिए, कि अगर हमारा वेब पेज है, वेब इंटरफेस है, उसका कोई टाइटल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, st.title कमांड लगाते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रीमलीट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, यानी जो लाइब्रेरी हमने अभी इंस्टॉल की थी उसको हमने इंपोर्ट करना है, उसको हमें इस फाइल के साथ अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हम वो तमाम तर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रीमलीट, और स्ट्रीमलीट के बाद मैंने लिखा कि स्ट्रीमलीट के बाद मेरे पास एक लाइब्रेरी होगी स्ट्रीमलीट, इंपोर्ट स्ट्रीमलीट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो, और एज एस टी, एज एस टी का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट बनाए, एक वेरिएबल बनाए, जिसके अंदर पूरी की पूरी लाइब्रेरी लोड करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे। अब इस वेरिएबल के थ्रू, एसटी के थ्रू, मैं इस लाइब्रेरी के डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने इसका एक फंक्शन कॉल किया जो कि टाइटल है, तो मैंने लिखा st.title, और टाइटल के अंदर मैंने ये पास कर दिया ये टेक्स्ट डिस्प्ले, कि ये वाला टेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले करे। तो मैं यहाँ पर टाइटल की जगह AI एंड डेटा साइंस पास कर देता हूँ। अब ये मेरे पास पूरे के पूरे वेब पेज का एक बड़ा सा टाइटल शो कर देगा, और उसके अंदर लिखा होगा AI एंड डेटा साइंस। तो बाकी मैं कोड को कमेंट करता हूँ, उसको भी हम एक एक करके अभी अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसे ही मैं इस पे गया और इस पे जाके मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि AI एंड डेटा साइंस का एक पूरे के पूरे वेब पेज का टाइटल आ गया। उसके बाद एक नेक्स्ट है हमारे पास राइट। राइट बेसिकली ये कमांड होती है कुछ भी कंटेंट एक वेब पेज के ऊपर, वेब इंटरफेस पे कुछ भी कंटेंट लिखने के लिए, यानी नॉर्मल टेक्स्ट को राइट करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। तो ये कमांड मैंने यहाँ पर अभी इसको अनकमेंट किया, और इसके अंदर मैं कोई भी कंटेंट लिख देता हूँ, और वो कंटेंट मैं अपनी यहाँ से ही किसी एक जगह से उठा लेता हूँ जहाँ पर ये मेरा कहीं कंटेंट पड़ा हो। तो मैं इसके लिए यहाँ पर जाता हूँ अपने एक AI कोर्स पे, और यहाँ से एक मैं पैराग्राफ उठाता हूँ, और वो पैराग्राफ मैं यहाँ से इस कोड के अंदर कॉपी करके लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में गया, हमारा जो स्टेप वन है उसके अंदर प्रिंट की फाइल में यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ पड़ा है। आप ये पैराग्राफ कहीं से भी उठा सकते हैं, मैंने ये अपने वही कोड का हिस्सा उठाया है जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। आप किसी इंटरनेट से पैराग्राफ उठा लें, कहीं से भी उठा लें, और मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे होंगे, तो इन एरर्स को खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रिपल कोट्स लगा दिए, क्योंकि मेरे पास ये मल्टी लाइन्स का टेक्स्ट है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ट्रिपल कोट्स लगा दिए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर गया, और यहाँ जाकर मैंने इस जब पेज को रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा था वो मेरे पास इस वेबसाइट पे, इस वेब इंटरफेस पे शो हो गया। अब उसके बाद आगे ये इसके डिफरेंट मेरे पास क्या लें कि फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह से एक टेक्स्ट का फंक्शन है, ये भी एक टेक्स्ट कंटेंट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट और राइट में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, इनके सिर्फ राइटिंग स्टाइल्स का डिफरेंस है, वो भी लिखने के लिए इस्तेमाल होता है और ये भी लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से एक मार्कडाउन है कि अगर हमने कोई मार्कडाउन यूज करना हो, जैसे कि हम HTML में डिफरेंट मार्कडाउन्स यूज करते हैं, तो वो हमने यहाँ पर यूज करना हो तो उसके लिए भी एक कमांड यहाँ पर दी गई है st.markdown। फिर अगर हम कुछ रिसर्च पेपर या राइटिंग टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं जिसमें हमने कोई लेटेक्स का कोई हमने कमांड लिखनी है, तो उस पे भी हम काम कर सकते हैं। इसी तरह से ये टाइटल के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं कि टाइटल क्या होता है। उसके बाद हेडर, ये भी एक हमारे पास नॉर्मली फंक्शन होता है जो कि
टाइटल से थोड़ा सा कम साइज का फॉन्ट के साथ हमें एक सब हेडिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक सब हेडर होता है जो कि थर्ड लेवल की हमारे पास हेडिंग प्रोवाइड करता है। फिर इसी तरह से कोड होता है कि अगर हमने कोड लिखना हो अपनी किसी आउटपुट में, वेब इंटरफेस पे कोड डिस्प्ले करना हो, तो उसके लिए हमारे पास ये कोड का होता है कि st.code और आगे सिंगल डबल कोट्स में वो कोड स्पेसिफाई कर दो। तो मैं जब इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे पास डिफरेंट परस्पेक्टिव से आ गई हैं। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो हमारी स्ट्रीमलेट थी और इसकी डिफरेंट कमांड्स थी। अगर आपने स्ट्रीमलेट को मजीद स्टडी करना हो और इसके ऊपर काम करना हो तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर जो गिटहब का लिंक है, इस गिटहब के लिंक के अंदर आप स्ट्रीमलेट वाले सेक्शन के ऊपर जाएंगे जो कि 9b स्ट्रीमलेट UI है। और जैसे ही आप इस सेक्शन के ऊपर जाते हैं 9b स्ट्रीमलेट UI, इसके अंदर लास्ट पर आपको एक बेसिक्स स्टेप नंबर 2 आपको बेसिक्स के अंदर मिलेगा। तो बेसिक्स के अंदर आपको जो है ना एक बिगिनर गाइड्स टू स्ट्रीमलेट, ये आपको एक लिंक मिलेगा। आप जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा जहां से आप स्ट्रीमलेट को बड़ी ही डिटेल में सीख सकते हैं कि उसके कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, किस किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये हमारे पास गिग्स फॉर गिग्स का एक लिंक है जहां से आप इसे सीख सकते हैं। उसके अलावा आप अगर इसे सीखना चाहें तो इसको सीखने के लिए आप इंटरनेट पर जाएं और स्ट्रीमलेट डॉक्स लिखें तो यहाँ पर आपके पास इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रीमलेट की ओपन हो जाएगी। और आप इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी इसके तमाम तर टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको इसके इंस्टॉलेशन की तमाम गाइड मिलेगी कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे कि किस तरह से स्ट्रीमलेट के जो बुनियादी हमारे पास कमांड्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो ये डिफरेंट चीजें आपको यहाँ पर स्ट्रीमलेट की मिल जाएंगी। तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन से भी उसको लर्न कर सकते हैं और यहाँ पर कोडिंग के साथ उसकी एग्जाम्पल्स मौजूद होंगी, कोड एग्जाम्पल मौजूद होगी, साथ आउटपुट मौजूद होगा। तो आप यहाँ से देखकर कोड के थ्रू उसकी आउटपुट को भी समझ सकते हैं और उस कोड को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं फंडामेंटल्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर जाऊँ तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डिफरेंट चीजें आपको मिल जाती हैं। अगर यहाँ पर कोई चीज आपको नहीं मिली तो आप ट्यूटोरियल्स में चले जाएं। ट्यूटोरियल्स के अंदर यहाँ पर उसने डिफरेंट चीजें दी हुई हैं कि कौन कौन से ट्यूटोरियल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर मजीद आपको कुछ चीज चाहिए, लेट्स सपोज अगर आप कोई बटन लगाना चाहते हैं स्ट्रीम वेब इंटरफेस पे, तो आप सिंपली यहाँ पर सर्च कर सकते हैं st.button, यानी बटन लिखा तो यहाँ पर उसने कमांड दे दी बटन की। तो आप इस बटन पे जाएं, इस पे क्लिक करें, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक बटन की कमांड उसने दी है, उसका सिंटेक्स दिया है और तमाम तरह डिटेल्स दी है कि किस तरह से हम बटन को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर उस बटन का डिफरेंट उसने कोडिंग एग्जाम्पल्स भी दी है और यहाँ पर उसने बताया है कि किस तरह से हम बटन को जब यूज करते हैं तो वो किस तरह से हमारे पास डिस्प्ले हो रहा होता है। तो ये आप यहाँ से इसकी तमाम तरह फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज ना समझ आए तो यहाँ से इसके डिफरेंट वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये थी आपकी स्ट्रीमलेट। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास के अंदर एक आप लोगों को मैंने कहा था कि असाइनमेंट भी दी जाएगी, तो उस असाइनमेंट से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मेरे पास ये जो गिटहब का लिंक है जिसको अभी हम यूज कर रहे हैं अपने थ्रू आउट द कोर्स, इस गिटहब के लिंक के अंदर आप लोगों ने मेन सेक्शन पे जाना है किक्स एआई कोर्स। और इस कोर्स के अंदर ये जो आपका लिंक है, इस लिंक के अंदर आपने इस स्टेप पे जाना है जो हमारा फंक्शन वाला स्टेप है। इस फंक्शन पे आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक असाइनमेंट है, कैलकुलेटर असाइनमेंट। आपने इस असाइनमेंट को करना है। यानी अब ये क्या है कि सिंपल आपकी असाइनमेंट में आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपने यूजर से 2 नंबर इनपुट लेने हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, इस तरह से आपके मैसेजेस होने चाहिए कि जिसमें यूजर फर्स्ट नंबर इनपुट करे, सेकंड नंबर इनपुट करे, देन आपने यूजर से एक ऑपरेशन लेना है, एक साइन लेना है। वो साइन प्लस का हो सकता है, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस है बस। तो आपने यूजर से 2 नंबर इनपुट लेने हैं और एक आपने ऑपरेशन साइन इनपुट लेना है। अब जो ऑपरेशन साइन आप इनपुट करेंगे उस ऑपरेशन साइन की बेस पर आपके 2 नंबर्स या तो एडिशन होंगे, ऐड होंगे, या तो सब्ट्रैक्ट होंगे, या मल्टीप्लाई होंगे, या डिवाइड होंगे। तो आप 2 नंबर्स इनपुट लेंगे, अगर तो आप प्लस एंटर करते हैं तो आपके 2 नंबर्स ऐड होकर उनका आंसर डिस्प्ले हो जाएगा, अगर माइनस एंटर करते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी काम होगा। अब इस तरह का आपने एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना है, लेकिन इस कैलकुलेटर को आपने
पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाना है, और पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाने के बाद इसका जो डिस्प्ले है वो आपके पास स्ट्रीमलेट के ऊपर आना चाहिए। यानी आपने ये कमांड लाइन के ऊपर इसका रिस्पॉन्स, इस कैलकुलेटर का आउटपुट नहीं शो करवाना, बल्कि इस तरह से जो वेब इंटरफेस है स्ट्रीमलेट का, इसके ऊपर आपका ये कैलकुलेटर का रिस्पॉन्स आना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास दो बटन बने हों, या आपके पास यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्सेस बने हों जिसमें आप फर्स्ट नंबर लिखें, देन फिर आप सेकेंड नंबर लिखें, उसके बाद आप कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करें और आप स्पेसिफाई करें कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, और आपके पास यहाँ पर स्ट्रीमलेट के एक वेब इंटरफेस पे उन कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स यहाँ पर शो हो जाएं। तो ये आप लोगों की नेक्स्ट क्लास की असाइनमेंट होगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी।